Hello my YouTube family, my name is Nikhil. Hope you all are doing great. So now main aapko kuch dikhana chahta hu pehle. To jo mere saath aap ye material dekh rahe hain, aapko aisa lag raha hoga yaar ye kya cheez hai, ye flexible si kuch leather sheet hai ya koi plastic sheet hai, ye kya cheez hai. So guys, jab bhi hum log ghar construction karte hain, ghar jinhone apna banwaya hai ya jo bana rahe hain, उन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी चॉइस होती है कि यार हम लोग फ्लोरिंग किसकी करें. या कोई अगर आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कोई भी जगह है, फ्लोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज जब भी घर में कोई एंटर होता है, जब भी ऑफिस में कोई एंटर होता है, जब भी कोई शॉप में एंटर करता है, जो सबसे पहली नज़र जाती है वो आपकी फ्लोरिंग पर जाती है. तो लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो घर में यूजली लोग मार्बल यूज़ करते हैं, सर्टिफाइड टाइल्स होती है, और भी डिफरेंट तरह के वुडन फ्लोरिंग होती है, डिपेंड करता है, वो सबकी अपनी चॉइस है. तो आज हम जिस मटेरियल की बात करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा मटेरियल मुझे लगा, बिकॉज मैंने रिसर्च टीचर का देखा था और मुझे पसंद भी आया था. तो इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं विनाइल प्लैंक फ्लोरिंग. बेसिकली इसको बोलते हैं लग्जरी विनाइल प्लैंक फ्लोरिंग, LVP. तो ये फ्लोरिंग बेसिकली क्यों लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर इट. क्या चीज़ है तो विनाइल प्लैंक LVP जो होता है, बेसिकली एक ऐसी फ्लोरिंग है जो कि एक अफोर्डेबल वाटर प्रूफ विथ अ काइंड ऑफ वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग किया जाती है इसको. और इसका यूजली मेन यूज फ्लोरिंग में ही होता है. और इसका जो मटेरियल होता है वो होता है पॉली विनाइल क्लोराइड. और ये सब इसको अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो बेसमेंट के अंदर, किचन्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर, कैफेज के अंदर. और ज़्यादा थोड़ा इंटीरियर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा क्यों. तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. अब बात करते हैं कि ये क्यों यूज़ करना चाहिए. देखिए मेरा मानना है क्योंकि इसका एक वुडन टेक्सचर है. और मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है कि हमेशा के यार हमारी फ्लोरिंग वुडन टेक्सचर की होनी चाहिए, वुड फ्लोरिंग होनी चाहिए. बट अब सब लोगों को ये बात पता होगी कि वुडन फ्लोरिंग के साथ बहुत सी दिक्कत आती है. तो तीन बहुत बड़ी दिक्कत है वुडन फ्लोरिंग के साथ. और सबसे पहली दिक्कत होती है वो होती है वुडन फ्लोरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. सेकेंड, अगर इवन अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे टर्माइट्स का इशू है, तो शायद वुडन फ्लोरिंग आप नहीं लगा सकते. आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर्स का बहुत ज़्यादा इशू है तो भी वुडन फ्लोरिंग काम नहीं करती. तो उस केस में उदास होने की जरूरत नहीं है. ये जो LVP है ये आपको बहुत आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं कह सकता हूँ फ्लोरिंग में लगा सकते हैं. तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, एक तो ये वाटर और मॉइस्चर रेजिस्टेंस है. तो डजेंट मैटर कैसा है आपकी फ्लोरिंग में मॉइस्चर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक तरह का प्लास्टिक है. सेकंड, मुझे जो इसकी सबसे अच्छी बात एक लगती है और जो कि कंपनी की तरफ से चॉइस होती है कि इसमें काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स मिल जाते हैं. तो जैसा कि हम कुछ टेक्सचर जो वुडन फ्लोरिंग में देखते हैं, अगर हमें सेम टेक्सचर चाहिए इस मटेरियल के अंदर वो तो आराम से मिल जाएगा. डिपेंड करता है किस कंपनी का और आपके किस एरिया में. अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली यू विल फाइंड मोर टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे. और सबसे जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ एक और लगती है, ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, बहुत ही काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो जाती है ये. मतलब इसमें बहुत साफ सफाई वाला काम है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब गंदगी नहीं होती फ्लोरिंग करते. जैसे मार्बल में आपको मार्बल लगाने के बाद घिसाई करनी पड़ती है, आपको दो तीन बार घिसाई करनी पड़ती है, देन यू टू पॉलिश इट. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी फास्ट हो जाती है और काफ़ी कम लेबर रिक्वायरमेंट होती है. अब इसके बात करते हैं थोड़ी सी कॉन्स की. तो कॉन्स में इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बहुत करते हैं, हम इको फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं. अब क्योंकि देखिए वुडन फ्लोरिंग डेफिनेटली सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, लेकिन क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं वो नहीं कर सकते तो इसलिए ये लगानी पड़ती है. तो क्योंकि हम एक प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली इको फ्रेंडली नहीं है. तो जो पीपल जिनको ऐसा होता है कि यार मुझे इको फ्रेंडली चीज़ें चाहिए, तो ये शायद उनके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है. बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कॉमर्शली कहीं किसी जगह में यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली इसको यूज़ करें. और जो इसका एक और कॉस है कि ये यूवी रेजिस्टेंस नहीं है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं यार मैं इसको कहीं बाहर आउटर में लगा दूँ, मैं छत पे लगा दूँ, मैं अपने घर के बाहर पॉर्च वॉर्च में लगा दूँ जहाँ पर आपका हाईवी सनलाइट पड़ता है, तो वहाँ के लिए नहीं है, ये फेड हो जाएगा. तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें. अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो ये 5 mm से लेके 8 mm तक आती है. 6 inches इसका विड्थ होता है. ये मेरे पास जो सैंपल है और इसमें दो तीन तरह की और आती है बेसिकली, जो लॉक हो जाती है और जो पील वाली हो जाती है ना. अब इसके कॉस्टिंग की बात करें तो मैं कॉस्टिंग का इसमें डेटा एक्सप्लोर नहीं करूँगा बिकॉज इसमें वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है. कॉस्टिंग आप किस टाइप के ले रहे हैं, किस टेक्सचर के ले रहे हैं, किस ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है. तो ये हाईली रिकमेंड है कि आप अपने नियरेस्ट किसी भी स्टोर या आउटलेट या रिटेल आउटलेट पर जाके पता करें कि इसका क्या कॉस्टिंग आता है, कितना टैक्स लगेगा, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स की फीस है एंड ऑल दैट. सो
दिस नाउ. अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो अब है कि यार ये इंस्टॉल कैसे होती है, क्या इसका प्रोसेस है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ. नाउ सबसे पहले क्या होता है यार, इसमें बेसिकली हम लोग हालांकि मॉइस्चर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी कोई क्लोथिंग करते हैं इस टाइप की तो इसमें हमेशा मॉइस्चर लेवल चेक किया जाता है. उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा आपका या किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के को अगर आप कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर आर वेज टू चेक द मॉइस्चर ऑफ फ्लोरिंग. तो वो सबसे पहले चेक करें. फिर आप इसके नीचे एक शीट लगाई जाती है, अगर आपकी पहले आपकी जमीन पूरी प्लेन होनी चाहिए, फ्लोर पूरा प्लेन होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं डिवाइसेस से. उसके बाद में एक शीट लगती है, उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया जाता है. नाउ अब ये तीन तरह की आती है. पहली तो वो होती है पील एंड स्टिक. तो होता क्या है, इसके पीछे एक पॉलिथीन आती है, इसको हम उतार सकते हैं और ग्लू होता है तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है. सेकंड होता है आप इसको ग्लू से लगाते हैं तो कॉर्नर में आप ग्लू लगाते हैं इसके और कॉर्नर जॉइंट हो जाते हैं. थर्ड होता है लॉकिंग सिस्टम होता है जो कि यहाँ से लॉक होती है और यहाँ से भी लॉक हो जाती है. तो उसकी इमेजेस मैं थोड़ा शेयर कर दूंगा आपको. शायद आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह से कैसे होता है ये चीज़. नाउ अब एक दो चीज़ें कंसर्न है, जब भी आप इसको लगाएं तो डेफिनेटली इन वैसे कॉन्ट्रेक्टर को पता होगा, बट आप लोग भी ध्यान रखें, नॉलेज बहुत ज़रूरी है. तो हमेशा आप रूम का डायमेंशन लें और मेक श्योर करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इक्वल रहे दोनों तरह. तो फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है तो उसमें जो उस साइड भी इक्वल गैप होना चाहिए, इस साइड में इक्वल गैप होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6 mm की शीट्स है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार एक साइड 6 इंची पे एंड हो रहा है और एक साइड 2 इंची का गैप है तो गलत है, तो आप मेक श्योर करें कि दोनों साइड इक्वली हो सो दैट एक सिमेट्री दिखे. ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेटली काम कर देंगे. और उसके बाद है ये करने के बाद, आपको लगाने के बाद हमेशा ध्यान रखें कॉर्नर पे 8 mm का गैप ज़रूर रखें पूरे रूम में. बिकॉज होता क्या है, जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जिस जगह पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है उस जगह पे थोड़ा सा एक्सपेंशन अगर होता है तो अगर आप थोड़ा सा गैप नहीं छोड़ते तो शायद ये प्लेन नहीं जाएगी, शायद निकल सकती है. ये ध्यान रखें और लगने के 48 hours तक इस पर कुछ भी एक्टिविटी ना करें, ना आपको चलना है ना आपको सामान रखना है, थोड़ा सा वेट करें एंड देन इट्स ऑल अबाउट योर्स. उसके बाद में इसमें जो कॉर्नर्स में तीन तरह के आप फ्रेम सकते हैं, इसको वाटर राउंड बोलते हैं, टी मोल्डिंग बोलते हैं, रिड्यूसर्स बोल सकते हैं, वो आप इमेज में भी देखेंगे. एक पॉइंट और है यार, जब भी आप फ्लोरिंग मतलब इस टाइप के कोई भी मटेरियल खरीदे, whether it is for फ्लोरिंग, whether it is for सीलिंग, whether it for anything, हमेशा चेक करें कि यार उस हर एक कंपनी का अपना एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है. वैसे तो जो मैंने बताया वो जो मैंने स्टडी करके वो दिखाया है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी का लेते हैं और उस स्पेसिफिक कंपनी का कोई अपना आप में एक तरीका है उसको लगाने का, तो उसको ज़रूर फॉलो करें. अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले, अपनी टीम को बोले कि यार एक बार उसमें रीड करके बिल्कुल आप डिसाइड करें. तो ये था आज का एक अमेजिंग वीडियो फ्लोरिंग के लिए. और मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कॉमर्शियली के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ. अगर आपकी कोई शॉप है, रेस्टोरेंट है, कैफेज है, घर में आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन घर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो मार्बल इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. आप ग्रेनाइट यूज ले सकते हैं, आप इटालियन मार्बल ले सकते हैं, आप पेट्रीफाइड टाइल ले सकते हैं, आप सेरेमिक टाइल्स ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं. अगर आपको ऐसा है मेरी तरफ कि मुझे वुडन फ्लोरिंग वाली एक ही लुक वाली चीज़ चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज रिकमेंड. और इसका अच्छा फायदा भी है, अगर आप बोर हो जाते हो कुछ टाइम बाद तो आप इसको इजीली रिमूव करके कोई नया पैटर्न लगा सकते हो. और क्या पता से 5 साल बाद कोई नई तरह की फ्लोरिंग आ जाए और डिफरेंट मटीरियल आ जाए, क्योंकि हर 6 महीने में एक नया मटीरियल आ रहा है मार्केट के अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग मटीरियल आ रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई माय मिशन इज टू टेल यू अबाउट ऑल दिस. एंड I believe on the principle to teach is to learn twice. So I hope ये video आपको definitely पसंद आया होगा. If you like it, please like my channel, subscribe my channel, share करें इस video को और always share the knowledge with the people because I believe that we are living in an era where teaching makes a huge difference. So guys, thank you so much. Vande Mataram, Jai Hind, Bye bye, take care.